हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा नौवीं वार्षिक परीक्षा पेपर 2023-24 ITITS का यहाँ पर हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि आपका पेपर हो चुका है। तो फटाफट आप आंसर को मिला लीजिए कि कितने आपने सही किए हैं। तो यहाँ पर रैम का पूरा नाम है, तो रैंडम एंड मेमोरी है, इसका 12 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस वाई शॉर्टकट की उपयोग की जाती है, तो यहाँ पर रेडियो के लिए 2 नंबर का ऑप्शन होगा। इनमें से एक इनपुट डिवाइस है, तो कीबोर्ड इसका राइट आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस फाइनल इंक स्टेंशन है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 7 नंबर का ऑप्शन होगा, ODP। इसके बाद ओपेरा एक है, तो यहाँ पर वेब ब्राउज़र इसका आंसर होगा। इस प्रकार से विकल्प के आंसर हो जाएंगे। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 2 में यहाँ पर रिक्त स्थान पूछे गए हैं, इनके आंसर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला है आनमर का चार्ट विकल्प किस मेन्यू में उपलब्ध है, तो इंसर्ट मेन्यू में उपलब्ध होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो हेडिंग किस में होती है, तो नंबर में होती है। बराबर चिन्ह का उपयोग किसे के लिखने हेतु किया जाता है, तो फार्मूला लिखने में किया जाता है। नई स्लाइड डालने के लिए शॉर्टकट की जो होती है कंट्रोल प्लस एल होता है। प्रत्येक प्रेजेंटेशन से पहली स्लाइड क्या होनी चाहिए, सिस्क होनी चाहिए। इसके बाद जो है सही जोड़ी कुछ इस प्रकार से, सही दृश्य संचार हो जाएगा, यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल होगा, कंट्रोल प्लस जेड यहाँ पर अंडू होगा, F12, तो यहाँ पर जो F12 होती है तीसरे का आंसर फंक्शन की होती है राइटर, तो यहाँ पर चौथे का आंसर इस प्रकार से होगा ऑफिस सूट का घटक होगा मौखिक संचार। तो मौखिक संचार जो होता है यहाँ पर लास्ट का आंसर होगा आमने सामने की बातचीत, इस प्रकार से आंसर हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, जो इस प्रकार सत्य पूछे गए हैं। पहला है अनमर का करंट जो है फाइनल का नाम स्टेटस बार में दिखाई देता है, सत्य होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में MS एक्सेल की फाइनल नहीं खोली जा सकती, बिल्कुल सत्य होगा। पोर्ट्रेट पेज में पेज की लंबाई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है, बिल्कुल सत्य होगा। डिफ़ॉल्ट रूप से पेज का साइज A4 होता है, तो यह आपका सत्य होगा। एक ही डॉक्यूमेंट में कई फाइलें तैयार करने के लिए मेल मर्ज का उपयोग किया जाता है, यह असत्य होगा। इस प्रकार से सत्य पूछे गए थे। बाकी जो क्वेश्चन है लगभग उसमें से आधे से क्वेश्चन पूछे गए, जो कि हमने आपको बताए थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपने किए होंगे, इस प्रकार से आंसर हो जाएंगे।